कल चिताई होगी कोई, क्या जीवन ही, मतलब मेरा जन्म ही खराब है मेरी। तो ऐसा कर देते अगर मैं पैदा हुई थी तो मार देते। आटी डली हुई है जो लोगों को, जब उनकी डेथ हो जाती है तो यही इसी पर रख चलाते हैं बांस पे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना यार, कहाँ जाना है घमंड करके, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करके जाना है। ये भी इंसान ही है जो अभी राख बने पड़े हैं। मैंने मुझे हर चीज में, गलत में, अच्छे में, हर काम में मेरा साथ दिया है। राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस रक्षाबंधन आ चुका है और कल रक्षाबंधन है और पता नहीं हमसे कोई राखी बंधवाएगा भी नहीं। हमारे घर से कोई कॉल नहीं आया, ना किसी ने बुलाया। मेरी मम्मी ने तो कह दिया था कि मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बार ऐसी करके मैं चली गई थी, मेरा एसेंस पिन आया था उस टाइम अलीगढ़ में। जो भी आता मेरा अलीगढ़ में आता, क्योंकि अलीगढ़ का ही एड्रेस है, पापा के घर पे ही आता, क्योंकि पापा के, इनकी जगह पापा का नाम डला हुआ है मेरे एड्रेस में। तो मेरी मम्मी कह रही थी एक दिन कि पहले तो मेरे घर के सामने फ्लैट है, पहले तो फ्लैट में आती है फिर मेरे घर में घुस जाती है बेशरम, ऐसे करके बोला था। तो मैंने कसम खा ली थी गाइस, इस तरीके से मुझे किसी के घर पे नहीं आना, बेइज्जती नहीं करवानी अपनी, और वो लोग बुलाएंगे नहीं। तो शायद अब की बार हमारा रक्षाबंधन सुना जाएगा। तुम्हारे कौन बांधेगा राखी? इनके हाथों पे भी कोई राखी नहीं बांधता, इनकी कोई बहन ही नहीं है। भाई सारे की तरफ चलते, फिलहाल में अलीगढ़ में वो तारीख करने हम लोग यहाँ पे आए थे कोर्ट में, अपनी गवाही देने आई थी, लेकिन मेरी गवाही हर बार रह जाती पैसों की वजह से मेरी। भाग रही है मरगट में आ चुकी हूँ, हरनाम मोक्ष धाम में, जहाँ मैं रह करती थी एक साल पहले। एक साल होने के बाद मैं उधर का सामने वो जो घर टंकी रखी है ना उधर ही, वहीं रहती थी एक साल करीबन रही थी। और जब भी मैं अकेली रहती थी ना, ये तो काम करने चला आया करते थे। ज्यादातर मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है दोस्तों, जब से जन्म लिया है। तो ये जो देखो मरगट है, अभी भी मतलब राख है, मतलब कल चिताई होगी कोई। दुखी होती थी मैं इनसे बात करिए, इन्होंने, मैं हमेशा कहती थी कि मुझे ये परेशानी है, भले ही मुझे रात में सपने आते हों, लेकिन मुझे सपने इनकी वजह से कभी नहीं आए। जब से मेरी शादी हुई, शादी को 3-4 साल हो गए, मुझे वो मरगट उनके लाशों के कफन के सपने आते हैं। अब ये नहीं पता इनकी मम्मी ने कुछ किया है या फिर मेरे से कोई गलती हुई है। मेरे से तो यहाँ तक कोई गलती नहीं हुई, गलती मेरे से शादी के बाद ही क्यों होगी, पहले भी इसी तो हो सकती थी, पहले कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उसी दूसरे दिन से मेरे साथ वो भलाया चली आ रही किया जाता है, और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कोई भी कभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली हुई। पूरा मरगट खिला हुआ है। ये जो पीछे टंकी है ना, यहाँ पे मतलब बच्चों को दफनाया जाता है और यहाँ पे बड़े लोगों को दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, पहले तो मतलब बेशर्मों की तरह गुस्से आती है। मेरी मौसी भी बोल रही थी कि इसको घर में घुसा लेती है, और ये बात आपसे नहीं, जब से मेरे बाल कटे हैं ना तब से इन लोगों को दिक्कत हो रही है यार। कहते हैं ना कि कोई अपना हो ना हो, लेकिन अपने घर के, अपने जो जन्म देते हैं वो अपने हमेशा सगे रहते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है गाइस। ये मौसी को मैं मानती थी, माँ जैसे ही मानती थी, लेकिन अब उससे भी मेरा मन हट गया गाइस, क्योंकि यार कोई नहीं है अपना। अगर अपने पास पैसा होता है ना तो सब कुछ होता, वरना ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये मेरी बहुत यादगार जगह है। जब भी मेरा मन करता था मैं उदास होती थी, रोती थी, मैं हमेशा मरगट में चली आती थी अकेले, यहाँ कोई नहीं आता ज़्यादातर, और इनसे बात करती थी। और ये कहते हैं कि मतलब ये चीज़ें गलत होती हैं, ये सही की जगह बहुत सही होती है। एक तरह से मुझे लगता था कि ये भी मेरी मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इतना विश्वास करती हूँ बहुत ज़्यादा गाइस। हमेशा इनके बारे में सोचती रहती हूँ कि लोग मरते हैं कहाँ जाते होंगे, कैसे जीते होंगे, क्यों लोग, मतलब कभी कभी इंसान अकाल मौत भी मर जाता है, लोगों को मार देते हैं, ये सब सोचती रहती हूँ। मुझसे तो ये कहा जाता है दोस्तों कि मेरा जीवन ही, मतलब मेरा जन्म ही खराब है। मेरी माँ कहती थी कि जब तू जन्म पैदा हुई थी ना, तो मैं मूल्य में पैदा हुई थी, तो मैं माँ बाप के लिए बहुत बेकार थी, मेरा क्या दुख है, तुम लोग मुझे पैदा ही नहीं करते, ना मुझे दुख झेलने पड़ते, और ना तुम्हारा कुछ गलत होता। अगर इन लोग, मेरे घर वालों को ज़्यादातर, पूरे खानदान में ऐसा है कि सब ज़्यादातर लड़कियाँ पैदा हुई थी, तो उन्हें लड़की पसंद नहीं, लड़के चाहिए था। तो ऐसा कर देते अगर मैं पैदा हुई थी तो मार देते। आटी डली हुई है जो लोगों को,
जब उनकी डेथ हो जाती है तो यहीं इसी पर रख के लाते हैं बांस पे, भले ही चाहे वो मखमल के बेड पे सोने वाला हो, तब इंसान मरता है तो यही चीज़ें उसके काम आती हैं गाइस। ये देखो इंसान की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, ढेर एक दिन मिट्टी में मिल जाना यार, कहाँ जाना है घमंड करके, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करके, कहीं नहीं जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये भी इंसान ही है जो अभी राख बने पड़े हैं। मैं कल आई थी यहाँ पे गाइस तारीख करने के लिए, और मेरा पूरा दिन तारीख में चला गया, कोई रहम नहीं करता मेरे, बिना पैसे के ना तारीख गवाही भी नहीं हो पा रही है, पैसे चाहिए बहुत सारे, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तारीख इतने सारे पैसे दे के अपनी तारीख वारीख करवाऊँ। इनके पापा से कहा था कि थोड़ा मतलब हेल्प कर दो, थोड़े हमें मिला देंगे, थोड़े तुम मिला दो कि मेरी गवाही हो जाएगी, शायद केस कहीं तक ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास बहू लाने के लिए उल्टी चीज़ों के लिए पैसे हैं, अपने लड़के के लिए पैसे नहीं है, जेल चला जाएगा, ये चला जाएगा, मेरे खिलाफ वारंट आया, मैं चली जाऊँगी तो सही रहेगा, फिर तो उनको तसल्ली मिल जाएगी सबको। फ्रेंड जब से मैं मुझे मालूम है, जब से मैं जन्म लिया, मैंने जन्म पर क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी माँ आती है, मैं गांव में रहती थी, अकेला छोड़ के चली आती थी, मतलब मैं गांव में रहती थी और मेरे पापा अलीगढ़ में काम करते थे, तो मुझे गांव में छोड़ के अकेली, छोटी सी थी मैं, इतना भी नहीं था कि किसी से मांगने से कोई देता नहीं है, ये बात है, बना के खाने सकती थी, उल्टी सीधी बना दी थी तो मेरे हाथ जल जाया करते थे, और गली के जो बच्चे थे ना वो जो रोटी खाते थे तो उनसे मांग मांग के खाती थी, मुझे बहुत याद है। और मेरी मम्मी इतने छोटे में मुझे मेरे घर पे गांव में अकेला छोड़ के चले जाया करती थी, रात में मैं इतना डरती थी, रोती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे छोटे छोटे भाई थे मुझसे छोटे, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, उनको साथ लेके जाया करती थी, तो मैं अकेला, मैंने कभी अलीगढ़ देखा ही नहीं था, अभी फिलहाल मैं अलीगढ़ में हूँ, लेकिन जब उस टाइम मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जाती थी ना तो मैंने देखा भी नहीं था कि मैं अलीगढ़ कैसा आया, कैसे रहते हैं लोग, ऐसी रोती थी, भूखी प्यासी रहती थी। और एक दिन गाइस पापा ने सबको बुला लिया था कि सारे बच्चों को लेके आ जा, फिर जब से हम अलीगढ़ रहने लगे हैं, हम अलीगढ़ के रहने वाले नहीं है, हमारा ज़िला अलीगढ़ है, गांव हमारा त्रोली के पास है, मुजफ्फरा गांव मेरा जो जन्म हुआ था, लेकिन अलीगढ़ हमारा ज़िला है, इसलिए हमारा जो पास का शहर अलीगढ़ है, तो जिनका जिला लगता है वो सब अलीगढ़ में अपना खाने कमाने के लिए आ जाते हैं। गाइस ये सिबलिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने कम से कम एक साल तक पूजा करी थी, ये देख रहे हैं ना आप सिबलिंग शंकर जी को, ये बहुत ही अच्छे बाबा हैं, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। एक दिन अचानक हम यहाँ से चले गए थे दिल्ली, यहाँ पे मैं डेली पूजा करने आती थी, ये तरसूल देख रहे हो आप, ये रक्षा करता है मरगट की, और ये शिवलिंग है, बहुत अच्छे बाबा पीपल है, और वहाँ पे ये मरगट है, यहाँ पे ना सारे दही देवता है, पूजा होती है, आजा पूजा होती है, भगवान भी है, और साथ में यहाँ पे मोक्ष धाम है, लोगों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। आज कोई यहाँ पे डेड बॉडी नहीं आई है, वैसे मतलब डेली आती है, कल की आई हुई है, देख रहे हैं आप ताजी, वो है ताजी चिता है, कल आई थी। और देखो यहाँ जब भी लोगों की डेड बॉडी आती है तो यहाँ पे रखते हैं, मतलब लंबा लंबा, और सही बताऊँ ना बच्चों के ऊपर हमेशा माँ बाप का समर्थन रहता है, लेकिन मैं बता रही हूँ मेरे ऊपर कभी भी किसी का साथ नहीं रहा, जो भी दिया है ना इसने मुझे, मतलब वहाँ फील हुआ है कि मेरा कोई है, इसने मुझे हर चीज़ में गलत में अच्छे में हर काम में मेरा साथ दिया है, और मना भी नहीं करता, और मैं जैसे मन चाहे इसको बोल लेती हूँ, हम लड़ लेते झगड़ लेते, लेकिन मुझे ना इसका साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसी साथ की ज़रूरत थी, मुझे मिला। लेकिन कल देखते हैं दोस्तों क्या होगा, मतलब घर से कौन आएगा, क्या होगा, कल रक्षाबंधन है, और यहाँ पे गली है बाहर, यहाँ पे मेला लग रहा है रक्षाबंधन का, जो घूंगे होते हैं ना जब बाल बहते कंडे पे उपले पे, वो यहाँ पे सिराई जाती है, और बहुत बड़ा मेला लगता है, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है, मतलब झूले वूले लग रहे हैं, पूरे मेले की तैयारी हो रही है, रुकी रही है, चल शांत हो, चल चल रहे, जूते सही तरह से पहन ले, हैं? यहाँ पे लग रही है इससे जूते से पूरा घाव कर देता है,
क्योंकि बड़ा जूता है मेरे भाई का जूता, मेरा नहीं है ये। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप लोग, हरनाम मोक्ष धाम, यहाँ पर लोगों को मोक्ष दिया जाता है। फिलहाल तो चलते हैं मेला दिखाते हैं, मेला की तैयारी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ये पूरा मरगट था फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेला की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, कल रक्षाबंधन है। और देखो आप लोग छोटे मोटे झूला आ रहे यहाँ पे, और मतलब ज्यादा बड़ा तो मेला नहीं लगता, लोगों के टाइम पास के लिए जो रक्षाबंधन का शाम का टाइम पास होता है वो अच्छे से बीत जाता है समय। यहाँ पे और भी दुकानें लगेंगी खाने पीने की और झूलने की दुकानें लगती है, और तो ज्यादा नहीं लगती, और बहुत अच्छा लगता है रक्षाबंधन में ना। यही मेला जो मतलब रंग जमा देता है, वरना ज्यादा खास नहीं लगता अगर मेला नहीं लगता। जिस साल कभी कभी साल होते हैं उस साल मेला नहीं लगता, हर साल लगता है। और काफी रोड ना गाइस हमेशा खराब रहता है, जब हम रह रहे थे एक साल से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं बनाए, और हमेशा गड्ढे और पानी भरा रहता है तारा से ज्यादा। फ्रेंड चलते चलते बहुत ज्यादा थक गए, और सुबह से ही अलीगढ़ में धूप इतनी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े बैठ गए। घूमने जा रहे बैठ गए, थक गए होंगे, हालत कर रही है। कब गिरी सही ना है अभी तक? चाय वाय पियोगे तू? चाय वाय लाऊं? चाय वाय पियोगे? चाय वाय लाऊं? चाय चाय पी लो, चाय खा, वहाँ बिक रही है। ला रहा हूँ मैं, बैठो तो मैं ला रहा हूँ अभी। चाय लेके आ रहे हैं और केला, केला है यहाँ पे, इलाज ना करवाओ बहू ने बेटा मार दो। किन्ने बहू ने? अरे मैया, और बहू कहाँ है वो? मकान दिल्ली बेच लो बहू। तुम तो फिर अकेले रहते होंगे? डुबरिया के नाम पे। अच्छा डुबरिया मर गई। फ्रेंड हमने बावन से बहुत बात करी, बावन की भी बहुत दुख भरी कहानी है, और बहुत अच्छे हैं बेचारे, इन पर पाली से गिर गई थी, और बता रहे हैं कि इनकी बहू ने जो है बेटा को कछु दे के मतलब ख़त्म है वो, और जो भी घर जमीन बेच के दिल्ली भाग गई ऐसे ऐसे बता रहे हैं। सबके घर में कोई के माँ बाप खराब निकल जाते हैं, तो कोई के बालक खराब निकल जाते हैं। और मेरे पति आ चुके हैं गाइस केला लेके, मैंने बावन है केला, बावन की केला खाने की इच्छा थी तो केला मंगा दे। कहाँ गए केले ले वे? ले बाबा खा लेंगे हो, सही है खाओ गुना नहीं है, खुद ही खाई हो इन्हें। हर घर में दुख है, कहीं पे ज्यादा है तो खाऊ का समय, बेचारी जिन्हें तो पाली से गिर गई थी और परेशान है। अब इनकी बेटी आती ना है, बेटी को बता रहे बुलावे जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ तुम चलो हम आ जाएंगे, लेकिन ना आती। यार बेटी को ना माँ बाप को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से, सही बताऊँ तो। आज को व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, और मिलते हैं किसी नई व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को मेरा सही है, और हम ना कहीं नई व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।